स्थानीय क्षेत्र के नेवरहा गांव में बुधवार रात को पानी के निकासी के विवाद में हुई मारपीट में एक वृद्ध की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त गांव निवासी राम आश्रय पुत्र रघुनाथ पांडे के घर के सामने बरसात का पानी इकट्ठा था, जिसे निकलने को लेकर पड़ोसी हरिश्चंद्र पांडे से विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों आपस में भिड़ गए और आपस में लाठी डंडे। कल रात्रि को दो पक्षों का झगड़ा हुआ है, इसमें नाली गुरी के विवाद है इनका। वो पानी निकाल लेते नाली का, रात में झगड़ा हुआ इनमें मारपीट हुई है। इसमें एक बुजुर्ग हैं, लगभग 65 साल के हैं, उनको चोट लगी है और रास्ते में अस्पताल ले जाते उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें अभी पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें एक अभी गिरफ्तार भी हो गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। मनोज जी, पूरा मामला क्या है, आप विस्तार से बताइए। हाँ, ये दिलीप कुमार पांडे नौरहा के प्रधान है। मामला इसमें जो इस तरीके से है कि रात को विगत जो है लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच का झगड़ा है। अब इसमें झगड़े में पुरानी रंजिश को लेते हुए भी मामला हो रहा था और रात में आप समझ लीजिए कि सभी लोग रुके हुए, रात में इस तरीके का कोई कांड नहीं हुआ, आपस झगड़ा करते हैं। जो आज पुत्र जो है फ़ोन करके बुलाता है, अब बुलाने के बाद जब सारी मतलब कि वो घायल हो जाता है, जो मृत्यु जो जिसकी मृत्यु होती है वो घायल हो जाते हैं, घायल वाले व्यक्ति को भी प्रधान के पहले देखे वहाँ मन कि वो एम्बुलेंस आता है, एम्बुलेंस के साथ जो है उस घायल वाले व्यक्ति को लेके जाते हैं, रास्ते में वो एक्सपायर हो जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसमें प्रधान का कहाँ दोष है, प्रधान को क्यों गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, और यह अगर फंसाया भी जा रहा है तो इसकी जांच करा लीजिए, पूछ लिया जाए गांव लोगों से, रोकनी तरीके से भी अपना पता कर लें, पता करने के बाद तब प्रधान के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाएं। मैं समझता हूं कि जो आरोप लगाया जा रहा है ये बेबुनियादी है और गलत है, और अगर प्रधान होना, अगर प्रधान वहाँ पहुँचना ये दोष है तो आप हमें बताएँ कि प्रधान का काम क्या है। प्रधान का काम बताएं वही लोग, अधिकारी लोग बताएं, कर्मचारी लोग बताएं, गांव के लोग बताएं, आखिर प्रधान हो जाना कोई श्राप है? प्रधान तो मौके पे जाएगा, आएगा, गांव में कोई बात विवाद हो रहा है तो प्रधान की बात अगर मानोगे आप लोग तभी ना हमारे प्रधान कोई निष्पक्ष कोई बात कर पाएगा किसी का। प्रधान की बात भी नहीं माना जाता है, प्रधान कुछ कहता भी नहीं है, तब पर भी जो है उनके ऊपर एलिगेशन इस तरीके से आरोप लगाया जाता है, ये बेबुनियादी है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दिलीप कुमार पांडे उर्फ पिंटू जी जो प्रधान पति हैं उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं सरासर बेबुनियादी हैं, इनको जो आरोप मुक्त करके छोड़ा जाए, मैं बस यही कहूँगा।